नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। देश को नया संसद भवन मिल चुका है। बता दें कि पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से इसका उद्घाटन किया है। नए भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं इस नए संसद को लेकर देश में राजनीति भी खूब हुई है। लगभग पूरे विपक्ष ने नई संसद के उद्घाटन के मौके से किनारा कर लिया है। वहीं पिछले गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निमंत्रण दिया था। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक नए संसद भवन का निर्माण अब पूरा हो गया है। वहीं इसी के साथ ही नए संसद भवन ने पुरानी इमारत का स्थान ले लिया है, जिसमें अब कई खामियां आ चुकी हैं। नए संसद भवन में एक भव्य संविधान हॉल बनाया गया है, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही नए संसद भवन में सांसदों के लिए लाउंज, विभिन्न कमेटियों के लिए कमरे, डाइनिंग एरिया और पर्याप्त पार्किंग की जगह की व्यवस्था की गई है। साथ ही आपको बता दें कि नए संसद भवन का निर्माण क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर है। इसके 3 गेट हैं, जिन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम से जाना जाएगा। वहीं वीआई, सांसदों और विजिटर्स के प्रवेश के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। साथ ही नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया और अलग अलग धर्म के धर्म गुरुओं ने प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद भवन के निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों को भी सम्मानित किया है।